से किया जाना चाहिए। मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि कृपया दीप प्रज्वलन करके हमें अनुग्रहित करें और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इसमें पुनः एक बार पूरा कार्यों के कारण आपका स्वागत करें।
महत्व दिया था आदरणीय हमारे लोकप्रिय नेता और राजभवन वासियों ने राष्ट्रीय मर्यादा के लिए से आदरणीय रविंद्र नाथ जी आदरणीय निर्मल तिवारी जी आदरणीय मुकुल बिहारी जी आदरणीय ब्रजभूषण जी आदरणीय सुरेश्वर जी अनुपमा जी आदरणीय मुकुंद जी विधायक जी सभी मंच पर रहते हुए सभी सम्मानित विधायक सम्मानित नेता उपस्थित रहना सभी गांव गरीब किसान से गांव से पधारे पधारे हुए आप जनमानस प्रदेश अध्यक्ष नाते श्री सुधाकर सर को प्रणाम करता हूं आपका स्वागत करता हूं वंदन करता हूं। मुगल शासकों का जो भव्य आया काल था रक्षक हिंदुत्व का भारत मां का लाल था मातृभूमि के लिए बन गया जो भारत था समाज रूप उनका अति भीषण विकराल था मसूद शासक था क्रूर और भूखा काटता था थर थर भाले की हुंकार वीरता की गाथा इतिहास का सुनाएगा सदियों तक भारत की सौर गीत गाएगा रण में बरसाते तलवार और तीर थे रण में बरसाते तलवार और तीर थे ऐसे प्रचंड योद्धा सुहेलदेव वीर थे। भारत की लड़ाई के लिए साथियों योगों होकर प्रतीक्षा के बाद महाराजा सुहेलदेव जैसे विराट व्यक्ति तुम्हारी पृथ्वी पर जन्म लेता है वह एक वीर योद्धा के साथ साथ एक कुशल संगठन करता जिन्होंने समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उनका जीवन गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए समर्पित था। उन्होंने अपने संगठन की बदौलत एकता जोर जले जिसके आगे विदेशी ताकतें टिक नहीं साथियों उनके गौरवशाली इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए आदरणीय मोदी जी योगी जी का सरकार कटिबद्ध है प्रतिबद्ध है और मैं विश्वास दिलाता हूं मित्रों आप सबको चाहे महापुरुषों का इतिहास हो चाहे गरीबों का सम्मान हो मैं विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि आदरणीय मोदी जी देश के अंदर मोदी जी ऐसा नेता धरती पर कभी कभी जन्म लेता है मित्रों जो परिवार का एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता कभी कभी जन्म लेता है मित्रों। इसलिए इस समय हम लोगों के खिलाफ हम लोगों के वातावरण के खिलाफ आदरणीय योगी सरकार को बदनाम करने का भी काम ये विपक्ष कभी कभी करता रहता है मित्रों क्योंकि ये लूटना चाहते हैं देश को अपना परिवार का पेट भरना चाहते हैं अपने खानदान की खुशहाल चाहते हैं एक खानदान इस राज्य को लूटना चाहता है। इसलिए आदरणीय योगी जैसा इस राज्य को बेटा नहीं मिलेगा मित्रों एक गरीब का सम्मान करने के लिए ऐसा बेटा इस धरती पर नहीं मिलेगा। इसलिए आदरणीय योगी जी का सम्मान हमेशा बना रहे मित्रों ये आपके साथ है और इस पुराने के साथ है आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं वंदन करता हूं भारत माता की जय वंदे मातरम। और एक बार नारा लगाएंगे सुहेलदेव महाराज सुहेलदेव आप कहेंगे अमर रहना महाराजा सुहेलदेव थोड़ा बजरंग बली का मुट्ठी का किसी को भूसा पड़े तो नानी याद आएगी राजा सुहेलदेव राजा सुहेलदेव बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। इसके बाद मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी व सभी मंचा से इन सम्मानित गणमान्य महानुभावों से निवेदन करूंगी कि कृपया सामने पड़े हुए सोफे पर अपना स्थान लें बनाई गई है। आज का दिन बहुत ही
सुंदर सुंदर पावन है और माननीय मुख्यमंत्री Thank you.
निश्चित ही पर्यटन का उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वाद और दूरदर्शिता से एक बार जोरदार तालियां माननीय के लिए मैं जरूर चाहूंगी। और इसके बाद हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया हमसे जुड़ रही है, निवेदन करूंगी कि कृपया उन्हें हमसे जोड़े। माननीय राज्यपाल महोदया को हमसे जोड़ने का कष्ट करें। Thank you.
माननीय भगवान मोदी जी जो उत्तर प्रदेश की भक्ति और विकास की आध्यात्मिक
संस्कृति और शब्द से संबंध नहीं है, यह भारत के स्वदेशी योगियों और तपस्वियों ने देश दुनिया को भारत के गौरव से परिचित कराया। तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रमणों से लेकर साम्राज्यवादियों को मोटी खाने को विवश किया। ऐसे ही पराक्रमियों में एक नाम महाराजा सुहेलदेव का है। महान संत बाबा ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ थारू बंजारा सहित अनेक समूहों एवं राजाओं का संघ बनाकर और यमुना नदी के तट पर चित्तौड़ के युद्ध में विदेशी भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। जिन्होंने मां भारती के सम्मान के लिए संघर्ष किया, महाराज जैसे नायक जिनसे हर वंचित हर शोषित प्रेरणा लेता है, उनका स्मरण भी तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और नई शक्ति देता है। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौड़ा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गणमान्य उपस्थिति में होने जा रहा है। महाराजा सुहेलदेव स्मारक के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस तराई के क्षेत्र की जनता को जिनका सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, बहराइच के प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर जी, सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी,
माननीय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, माननीय सांसद अक्षयवर लाल गौर जी, माननीय सांसद श्री सकलदीप राजभर जी, माननीय विधायकगण श्री सुभाष त्रिपाठी जी, श्री सुरेश्वर सिंह जी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्रीमती माधुरी वर्मा जी, श्रीमती सरोज सोनकर जी, पूर्व सांसद श्री पदम सिंह, महाराजा स्वयंदेव स्मारक समिति से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इस पूरे कार्यक्रम के प्रणेता मार्गदर्शक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सबकी नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, विदेशी आक्रांता से इस धरती को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए अपना शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन इस धरती पर करने वाले धर्म रक्षक राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है और इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कामों से महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक का शिलान्यास का कार्यक्रम कुछ ही देर में संपन्न होने जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पैराइच में आज से 4 वर्ष पहले एक मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र की आरोग्यता के लिए दिया गया था और मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हुआ है और मेडिकल कॉलेज का नाम भी हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर ही रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों से मेडिकल कॉलेज का भी आज उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। हम जब महाराज सुहेलदेव की स्मरण करते हैं तो इसके साथ ही हमें महर्षि बागा का भी स्मरण होता है, जिनकी प्रेरणा से क्षेत्र के राजाओं ने एकत्र होकर के महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में उस समय के बर्बर विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ इतिहास की एक ऐसी लड़ाई को लड़ा था जिनके शौर्य और पराक्रम के कारण अगले 150 वर्षों तक भारत पर किसी भी विदेशी आक्रांता के द्वारा हमला करने का कुछ साहस नहीं हुआ था। वारसी महाराज यहां पर बाना कृषि के रूप में इस बैराइज को एक नई पहचान देने वाले महाराज बाना के नाम पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां के जिला चिकित्सालय का नामकरण भी प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया और उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मैं आज के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी 4 फरवरी को देश की आजादी के लिए लड़ने वाले देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि को व्यक्त करते हुए गोरखपुर के चौरी चौरा महोत्सव के माध्यम से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
चौरी चौरा महोत्सव के कार्यक्रम की शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के कारण हर एक शहीद स्मारक पर कार्यक्रम चल रहे हैं। एक कार्यक्रमों की जो नई श्रृंखला प्रारंभ हुई है, 1000 वर्ष के बाद महाराजा सुहेलदेव का स्मरण पहली बार किसी सरकार के द्वारा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही 2018 में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट को भी परिचालन में लाकर के महाराजा सुहेलदेव के प्रति भारत की श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करने का कार्य किया था। और आज चित्तौड़ा नामक उस स्थान पर जहां पर ये महान युद्ध आज से 1000 वर्ष पूर्ण लड़ा गया था, उसी स्थल पर एक भव्य स्मारक का शिलान्यास कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की जो बात कही है उस पर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करते हुए न केवल शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, सुरक्षा और सम्मान का भाव समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है, बल्कि राष्ट्र के महानायकों के प्रति भी पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए जहां कहीं भी उनके स्मारक और उनसे जुड़ी हुई स्मृति का होगी उनकी पुनर्स्थापना के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में बहराइच के महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक का शुभारंभ यहां पर होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय इस कार्य के लिए हमें प्रदान किया। आज के इस कार्यक्रम में समाज से जुड़े हुए पूरे प्रदेश के अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोगों की उपस्थिति, महानुभावों की उपस्थिति, सामाजिक संगठनों की उपस्थिति इस अवसर पर यहां पर है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभी संगठनों, संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की ओर से भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए महाराजा सुहेलदेव की 1012वीं जयंती कार्यक्रम के अवसर पर महाराजा सुहेलदेव को विनम्र नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। और मैं अपने देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से अति आदर के साथ निवेदन करूंगी कि वे कृपया महाराजा सुहेलदेव स्मारक के निर्माण व चित्तौड़ा झील के विकास योजना का शिलान्यास रिमोट का बटन अपने कदमों से दबाकर करें। राज्य के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री
श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे अन्य सहयोगी विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहन, अपने पराक्रम से मातृभूमि का मान बढ़ाने वाले राष्ट्रनायक महाराजा सुहेलदेव की जन्मभूमि और ऋषि मुनियों ने जहां तप किया, बहराइच की ऐसी पावन धरा को मैं आगे पूर्वक दमन करता हूं। वसंत पंचमी की आप सभी को, संपूर्ण देश को बहुत बहुत मंगल कामना है। मां सरस्वती भारत के ज्ञान विज्ञान को और समृद्ध करे। आज का दिन विद्या आरंभ और अक्षर ज्ञान के लिए बहुत शुभ दिन माना जाता है। हमारे यहां कहा गया है, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विद्या रूपे विशाल रक्षी विद्यां देवी नमोस्तुते। अर्थात हे महाभाग्यवती ज्ञान रूपा, कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दीजिए, मैं आपको नमन करता हूं। भारत की मानवता की सेवा के लिए रिसर्च और इनोवेशन में जुटे, राष्ट्र निर्माण में जुटे हर देशवासी को मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले, उन्हें सफलता मिले, यही हम सभी की प्रार्थना है। भाइयों बहनों, रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऋतु बसंत बहुत त्रिविध प्यार, यानी वसंत ऋतु में शीतल मंद सुगंध, ऐसी तीन प्रकार की हवा बह रही है। इसी हवा इसी मौसम में खेत खलिहान बाग बगान से लेकर जीवन का हर हिस्सा आनंदित हो रहा है। वाकई हम जिस तरफ देखें तो फूलों की बहार है, हर जीव वसंत ऋतु के स्वागत पर खड़ा है। ये वसंत महामारी की निराशा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते भारत के लिए नई उम्मीद नई उमंग लेकर आया है। इस उल्लास में भारतीयता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों के लिए ढाल बनकर खड़े होने वाले महानायक महाराजा सुहेलदेव जी का जन्मोत्सव हमारी खुशियों को और बढ़ा रहा है। साथियों, मुझे करीब 2 साल पहले गाजीपुर महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का अवसर मिला। आज बहराइच में उनके भव्य स्मारक के शिलान्यास का सौभाग्य मिला। ये आधुनिक और भव्य स्मारक ऐतिहासिक चित्तौड़ा झील का विकास बहराइच पर महाराजा सुहेलदेव के आशीर्वाद को बढ़ाएगा, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। साथियों, आज महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बनाए गए
तो होगा ही, नेपाल से आने वाले मरीजों को भी ये मदद करेगा। भाइयों बहनों, भारत का इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों, गुलामी की मानसिकता के साथ इतिहास लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो भारत के सामान्य जन ने, भारत के लोकगाथाओं में रचा बसा, जो पीढ़ियों ने आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ाते रहे। आज जब भारत अपने आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, ऐसे महापुरुषों का योगदान, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका संघर्ष, उनकी वीरता, उनकी शहादत, इन सब बातों का स्मरण करना, उनको आदर नमन करना, उनसे प्रेरणा पाना, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। ये दुर्भाग्य है कि भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे अनेक नायक नायिकाओं को वो स्थान नहीं दिया है जिसके वो हकदार। इतिहास रचने वालों के साथ, इतिहास लिखने के नाम पर हेरफेर करने वालों जो अन्याय किया, उसे अब आज का भारत सुधार रहा है, सही कर रहा है, गलतियों से देश को मुक्त कर रहा है। आप देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, क्या उनकी इस पहचान को, आजाद हिंद फौज के योगदान को वो महत्व दिया गया जो महात्मा नेताजी को मिलना चाहिए था? आज लाल किले से लेकर अंडमान निकोबार तक उनकी इस पहचान को हमने देश और दुनिया के सामने सशक्त किया। देश की 500 से ज्यादा रियासतों को एक करने का कठिन कार्य करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ क्या किया गया? देश का हर बच्चा इस बात को भली भांति जानता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की है जो हमें प्रेरणा दे। देश के संविधान देने में अहम भूमिका देने वाले वंचित, पीड़ित, शोषित की आवाज बाबा साहब अंबेडकर को भी सिर्फ राजनीति चश्मे से देखा। आज भारत से लेकर इंग्लैंड तक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथियों, भारत के ऐसे अनेकों सेनानी हैं जिनके योगदान को अनेक वजहों से मान नहीं दिया गया, पहचान नहीं दी गई। चौरी चौरा के वीरों के साथ जो हुआ वो क्या हम भूल सकते हैं? महाराजा सुहेलदेव और भारतीयता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के साथ भी यही व्यवहार किया। इतिहास की किताबों में भले ही महाराजा सुहेलदेव के शौर्य, पराक्रम, उनकी वीरता को वो स्थान नहीं मिला, लेकिन अवध और तराई से लेकर पूर्वांचल की लोक कथाओं में, लोगों के हृदय में वो हमेशा हमेशा बने रहे। सिर्फ वीरता ही नहीं, एक संवेदनशील और विकासवादी शासक के रूप में
उनकी छाप अमीट है। अपने शासनकाल में जिस प्रकार उन्होंने बेहतर रास्तों के लिए, पोखरों तालाबों के लिए, बाग बगीचा और शिक्षा के क्षेत्र में काम जो किया वो अभूतपूर्व था। उनकी यही सोच इस स्मारक स्थली में भी दिखने वाली है। साथियों, पर्यटक महाराजा सुहेलदेव जी के जीवन से प्रेरित हो सके इसके लिए उनकी 40 फीट की कांस्य प्रतिमा स्थापित होगी। यहां पर बनने वाले संग्रहालय में महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां होंगी। इसके भीतर की और आसपास की सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। बच्चों के लिए पार्क बनेगा, सभागार होगा, पर्यटकों के लिए आवास रूम, पार्किंग, कैफेटेरिया जैसी अनेक सुविधाओं का निर्माण होगा। इसके साथ साथ जो स्थानीय शिल्पकार कलाकार है वो अपना सामान यहां आसानी से बेच पाए इसके लिए दुकानों